गौओं ने अपने प्राण दे दिए, परंतु धन्य है वह गौ जो परमेश्वर के लिए, जिन गोपियों ने अपने प्राणों को दिया, बस अभी परमेश्वर के धाम में। क्योंकि सती जब सती हुई तो सती का कभी नाश नहीं होता। भगवान शंकर से नारद जी ने कहा कि प्रभु आपकी पत्नी मारी गई और आप यहाँ सनकादिकों को कथा सुना रहे हैं, तो भगवान जानते थे कि शक्ति का कभी विनाश नहीं होता। सती तो कब के मेरे शरीर में समा चुकी है, तो वह सभी गोपियां जिन्होंने शरीर को त्यागा था वह सभी परमेश्वर में समा गई और पुनः भगवान का आदेश हुआ और पुनः उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो जो परमेश्वर के लिए शरीर त्यागते हैं तो भगवान उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। और आगे जब मथुरा में प्रवेश करने का समय था तो आज अक्रूर जी ने सोचा कि माता कालिंदी यमुना के दर्शन करूं, परंतु उनको लगता था कि कैसे ये छोटे बालक आज उस पापी के हाथ का आहार बनने जा रहे हैं, परंतु वह भगवान के स्वभाव को नहीं जानते थे। तो कन्हैया ने कहा कि काका जी आप यमुना में स्नान कर लें। तो अक्रूर जी आज डुबकी लगाने जाते हैं और गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सर्व देवी यमुना मैया की। और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई और अंदर चमत्कार देखा कि यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण प्रभु बलदाऊ के साथ खड़े हैं, तो भगभरा कर ऊपर आए और देखे तो वहां पर भी कन्हैया तो चरणों में गिर गए कि मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे स्वरूप को नहीं जाना। और भगवान ने माया से उनकी बुद्धि को हरा और पुनः मथुरा में प्रवेश करते हैं। और अब मथुरा की लीला में भगवान का रथ मथुरा की ओर जा रहा है। और इसके बाद फिर भगवान ने मथुरा में पहुंचा तो भगवान कौन है? परमानंद, जो परम आनंद, स्वयं भगवान आनंद है। भगवान नित्य है, उन्हें ना सुख होता ना दुख होता ना भूख लगती, परंतु मेरे भक्तों को कैसे आनंद हो इसलिए भगवान लीला करते हैं। तो मेरे मित्रों को आज आनंद होना चाहिए। तो जैसे हम शहर जाते हैं तो यहाँ वहाँ जाते हैं तो सुखता होती है, जैसे देहात का व्यक्ति जब बड़े बम्बई अम्बई जाता है तो यहाँ वहाँ बिल्डिंगों को देखता है। तो सभी आज श्रीधामा और भगवान के जितने मित्र हैं वह कहते हैं कन्हैया तेरे धन्यवाद जो तुम हमें वहाँ माखन खिलाता था और यहाँ हम तूने हमें इतनी बड़ी सिटी दिखा दी, वो देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग, अरे वो देखो अटारी के ऊपर का दिखाई दे रहा है। और सब यहाँ वहाँ देखते हैं। इतने में ही भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त और मुझ में भेद नहीं होना चाहिए। तो सभी ने सोचा कि प्रभु हम भला आप अंदर महल की ओर जाइए, हमें मत ले जाइए क्योंकि हमसे तुम्हारा अपमान होगा, हमारे कपड़े फटे हुए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे भेद नहीं करता। और भगवान ने वहीं से एक धोबी जो कंस के दरबार के कपड़े धुलने के लिए जाता है, उसका नाम था ठुंठा। तो धोबियों से भगवान का ऐसा वैर है कि त्रेता युग में भी वही बैरी बना और इस युग में वही बैरी बना। तो जहां पर भी इनके कार्य होते हैं तो शांति होती है क्योंकि भगवान, तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इसके बाद फिर उससे भगवान ने कहा कि ये सुंदर सुंदर कपड़े राक्षसों को क्यों पहनाते हो? अरे हमें पहनाओ, हमारे मित्रों को, बच्चों की तो सेवा करना दान करना धर्म है। तो धोबी ने कहा कि तू जानता नहीं रे मूर्ख छोरे, देहात के लड़के, अरे हट यहाँ से। तो भगवान ने कहा कि हमसे क्या गलती हो गई भैया, तो तू जानता नहीं कि यह राज दरबार के कपड़े हैं? और उस धोबी ने कहा कि हटता है कि नहीं कि मैं तुझे बताऊं। तो बलदाऊ जी वहां खड़े थे। तो भगवान ने कहा कि अब लीला, तो जोर से उसके सिर में मुक्का मारा, वह पाताल लोक में समा गया। उसने कहा कि तू पानी से मेरा छल करता है कि इसे धोने ले जा रहा हूं, तो जा तुझे पाताल लोक में पहुंचा दूं। तो भगवान ने उस पर कृपा करी और उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। और इसके बाद भगवान ने सभी के कपड़ों को दिया, परंतु कोई कपड़े बहुत बड़े और कोई छोटे, तो सभी पहन पहन कर देख रहे हैं। तो किसी ने जाना ही नहीं, तो कोई ऊपर का भाग नीचे पहन रहा है, कोई नीचे का भाग ऊपर पहन रहा है, तो कोई कान का गले में पहन रहा है, किसी को मालूम नहीं, बेचारे पहली बार देखे। परंतु भगवान ने फिर देखा कि वहाँ एक दर्जी दिखाई दे रहा है, तो दर्जी से कहा कि हे भैया हमारे मित्रों के कपड़ों को फिटिंग कर दो। तो दर्जी ने भगवान का काम किया, तो भगवान ने कहा कि तेरे यहाँ मेरी हमेशा कृपा होगी। तो दर्जी पर भगवान ने कृपा करी और भगवान नामदेव बनकर जन्म लिए और विट्ठल भगवान की कृपा हुई। बोलो विट्ठल भगवान की। इसके बाद भगवान आगे की ओर जाते हैं तो ब्राह्मण लोग मिले। तो भगवान जब जाते हैं तो लक्ष्मी भी साथ चलती है, तो लक्ष्मी दूर से देखती जा रही है कि मेरे नारायण कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान जैसे बहुत पढ़ा लिखा अभिमानी व्यक्ति जो रहता है, भाई छोटे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता, तो भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा कि भैया यहाँ मथुरा का द्वार कहाँ है, हमें बतलाओ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अरे हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तू हमें छीएगा, चल यहाँ से भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे श्राप दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि अरे भैया हमने तो तुमसे यह पूछा है। तो कहता है मूर्ख बालक, क्या तू नहीं जानता कि हम ब्राह्मण है, तू इधर से हट। तो वहां से लक्ष्मी देख रही थी कि इनने मेरे स्वामी का अपमान किया है, अतः मैं इनके यहाँ कभी नहीं रहूंगी, परंतु भगवान का मुख ब्राह्मण है। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी तू नाराज मत हो। और भगवान ने ब्राह्मण पर कृपा करी। तो यह बाकी कथाओं में आती है। और इसके बाद फिर
वहां पर बनियों की दुकान में पहुंचा जो बड़े बड़े कपड़े की दुकान लगाए बैठे थे। तो बनिया तो बड़े दूरदर्शी होते हैं, भविष्य का सोचते हैं कि जैसे चुनाव में कोई व्यक्ति लड़ रहा है भले कोई उसे वोट ना दे, परंतु जो बनिया लोग होते हैं या जो बड़े कूटनीतिक होते हैं बस दोनों पक्ष में चुप्पे से जाकर मिल जाते हैं, उसकी तरफ से भी चुनाव में पैसा लगा देते हैं और दूसरे की तरफ से कि धोखा से कोई जीत गया तो हमारी ही जय जयकार होगी। तो बनियों ने सोचा कि इसने बचपन में 7 दिन में पूतना को मार दिया और फिर 7 वर्ष में गोवर्धन को उतार दिया और उद्धार किया, तो यह बड़ा बड़े बड़े मुष्टिक और बड़े बड़े दैत्यों को इसने मार दिया है, तो अगर धोखा से इसने कहीं कंस को मार दिया तो यही राजा बनेगा, तो अभी से इसे कुछ नहीं तो एक पान खिला देते हैं। तो तुरंत ही बाजार से उनने पान बुलवाया और भगवान को खिलाया कि अगर कुछ भी नहीं मारेगा या मर भी जाएगा तो 2 रुपए का पान ही जाएगा, परंतु अगर जीत गया तो हमारा नाम तो लेगा। तो आज बनियों ने भगवान को पान खिलाया तो वहां से लक्ष्मी प्रसन्न होती है कि भले इन्होंने कुछ भी ना किया हो परंतु मेरे स्वामी का सत्कार किया है तो आज से मैं इनके यहाँ हमेशा निवास करूंगा। तो बनियों के यहाँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। परंतु बनियों से भगवान ने पूछा कि प्रभु, भगवान ने कहा कि हमसे वरदान मांगो, क्या तुम्हें नारायण चाहिए कि लक्ष्मी? तो बनियों ने कहा कि प्रभु मुझे लक्ष्मी चाहिए, नारायण को क्या करेंगे भला, हम उनको घंटी क्यों बजाते हैं, क्योंकि धन आए, सत्यनारायण कथा क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा आए, तो भगल भला नारायण का हम क्या करेंगे, आप नारायण तो मई को मुबारक हो, हमें लक्ष्मी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जहां नारायण है अर्थात सद्भाव है वहां विपत्ति नहीं आती, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, अर्थात सुमति अर्थात जहां भगवान है। तो जैसे ही उन्होंने नारायण को त्यागा तो बनिया बड़े जल्दी बीमार होते हैं और बहुत जल्दी उन्हें रोग ग्रस्त होता है और उन्होंने लक्ष्मी को अपना लिया। ब्राह्मण ने सोचा कि ये लक्ष्मी हमसे रुष्ट है तो हम भी ठहरो, तेरे पति को पकड़ लेते हैं। तो ब्राह्मणों ने भगवान को पकड़ लिया और सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। हम आपसे मांगते नहीं है व्यासपीठ में, आप स्वयं यहाँ दक्षिणा डालने आते हैं क्योंकि हमने श्री हरि को पकड़ा है, तो भगवान को पकड़ लो तो लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा चाहे वह कितना ही तुमसे रुष्ट हो। और इसके बाद भगवान आगे जाते हैं तो एक कुब्जा दिखाई देती है, तो वह कई जगह से उसकी टेढ़ी मेढ़ी कमर और वह इतनी सुंदर स्त्री थी परंतु उसके शरीर में वक्र गति थी, तो लोग उसका मजाक कुबड़ी कुब्जा कहते थे। उसका एक काम था कि वह नित्य चंदन घिसती और कंस को लगाती, तो जैसे ही भगवान के सामने मुखमंडल को देखा तो उनके बड़ी ही उसने दर्शन की, पूर्व जन्म के आज उसके पुण्य बड़े उदय हुए, तो उसने सोचा कि उस पापी को तो मैं रोज चंदन लगाती हूँ, आज मेरे सामने तो स्वयं साक्षात नारायण है। और वह भगवान को चंदन लगाने लगी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले पक्ष स्थले कौस्तुवम नाशाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। और इस प्रकार कस्तूरी का भगवान को तिलक लगाया और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान जब वह तिलक लगाने के लिए होती है तो भगवान तन कर खड़े हो जाते हैं तो वह उठ नहीं पाती बेचारी, ऐसा हाथ करती है। तो बलदाऊ जी कहते हैं कि एक तो वह बेचारी तो मैं तिलक लगा रही हूँ ऊपर से आप तन कर खड़े प्रभु, क्या अपने भक्त के साथ ऐसा न्याय है? अरे आजा, अगर उसकी कमर तिरछी ना होती तो भला ऐसी क्यों न बताती, आप इतने कठोर क्यों हो गए? तो भगवान कहते हैं मैं कठोर नहीं हुआ, मैं आज इसलिए तन कर खड़ा हूँ कि आज अगर मैं झुक गया तो यह जीवन भर नहीं उठ पाएगी। और भगवान आज तन कर खड़े हैं और जैसे ही कुब्जा ने ऊपर की ओर हाथ किया और भगवान ने उसकी कमर में जोर का हाथ मारा और वह सीधी हो गई, वह कुब्जा आज कुबड़ी नहीं रही और आज वह इतनी परम सुंदरी हो गई और भगवान की दासी बनकर उसको प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। लड़के की शादी में तो 2 बजे की भावर रहती तो जग जाते हो, परंतु आज भगवान की शादी आता है अगर आप आधा एक घंटे में बैठेंगे वह तो आपका पुत्र है परंतु वो जगत का पिता का पुत्र है। अगर उसे पुत्र रूप में उसका विवाह देखोगे उसके माता पिता बनोगे, जगत की माता की अगर माता पिता बनने का कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आपसे बढ़कर धन्य कोई नहीं, जगत पिता के वरपक्ष बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ तो पुत्र के लिए जगोगे, घोड़े के सामने नाचोगे तो 84 लाख श्रेणियों में नाचना पड़ेगा और भगवान के दरबार में नाचोगे तो जन्म जन्मांतर से नहीं नाचेगा, क्योंकि उमा दारू जोशित की नाई सवई नचावत राम गोसाई। तो भगवान उसे नचाते हैं जो घोड़े गधे के सामने नाचता है अपने लड़के की शादी में। तो इसके बाद फिर भगवान ने वहां कुब्जा का उद्धार किया और अंदर की ओर गए और प्रवेश किया तो देखा कि वहां बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था
और धनुष को रखा तो इंद्र आदि का अहंकार चूर करने वाले भगवान उस स्थान पर गए जहां पर भगवान की इच्छा हुई कि शिव का धनुष कहां रखा हुआ है। और आज देखिए पिछले जन्म की लीला को पूर्ण करने के लिए भगवान यहां आए हैं। रावण को भी भगवान शिव ने धनुष दिया और यहां पर भी भगवान शिव का धनुष था। और भगवान ने जब कंस को वह धनुष दिया तो कहा कि संसार में तीनों लोक में कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ सकता है तो वह तुझे छोड़ नहीं सकता। और आज भगवान ने धनुष की ओर गई और जोर से उठाया तो वह धनुष दो टुकड़ा हो गया। परंतु हम कहते हैं कि भगवान ने धनुष तोड़ा, भगवान अपने भगवान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा, भगवान ने जैसे ही हाथ रखा तो भगवान उनके शरणागत हो गए, शिव जी स्वयं टूट गए। तो भगवान अपने प्रभु का अपमान नहीं करते। और आज वह धनुष को ही स्पर्श किया और वह धनुष खंडित हो गया और मानो वह श्री कृष्ण प्रभु के उद्धार के लिए वह रास्ता देख रहा था। इसके बाद भगवान ने धनुष को तोड़ा, फिर चारुण और मुष्टिक नाम के पहलवानों से युद्ध हुआ और भगवान ने उन्हें पल मात्र में पछाड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान का चारुण से युद्ध हो रहा है और एक मुष्टिक से हो रहा है और यहाँ बलदाऊ और कृष्ण और पूरी युद्ध भूमि में सभी लोग तमाशा बन कर देख रहे हैं। आज नंद बाबा को बड़ा दुख हो रहा है कि हम तो अपने पुत्र को घुमाने के लिए आए हैं, बेचारे बालक आज भगवान के पिता भी माया में ग्रसित है क्योंकि पापी की नगरी में व्यक्ति पर माया आना स्वाभाविक है। तो आज नंद बाबा अपने पुत्र और बलदाऊ को नहीं पहचान पा रहा है कि बचपन में जिसने गोवर्धन को उठा लिया वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तो आज यहाँ दोनों में युद्ध हो रहा है, चारुण के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलदाऊ जी का। एक पहलवान अंबाले का, एक पहलवान पटियाले का, भी भारी भीड़ विदेशों में लड़ आए हैं फिर देशों। एक पहलवान अंबाले का, एक पहलवान पटियाले, भी भारी भीड़ विदेशों में लड़ आए हैं फिर देशों। और इस प्रकार भगवान ने उनका उद्धार किया। और आगे एक पागल हाथी जो कुवल्यापीठ नाम का हाथी, इतना महाबली था जो हजारों हाथी का बल रखता था, भीम से भी अनंत गुना, तो उस हाथी के, उस पागल हाथी को छोड़ा गया, उससे युद्ध कराया गया। और यह वही हाथी है जिसे जरासंध का हाथी था और जिसे कंस ने एक झटके मात्र में पछाड़ दिया था। तो प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह जरासंध ने कंस के साथ किया था और वह हाथी गिफ्ट स्वरूप दिया था। तो आज उसी पागल हाथी को छोड़ा गया भगवान की ओर और भगवान और कुवल्यापीठ नाम के हाथी में युद्ध होता है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने मुचकुंद नाम के राजा थे जिन्होंने देवताओं के लिए युद्ध किया और उसकी कथा में पहुंचते हैं। पहले कंस तक पहुंचे और भगवान ने कहा कि अब देर हो गई और सभी देवता बोलते हैं कि परमेश्वर अब और देर नहीं, अब और देर नहीं प्रभु। और सभी भगवान की वंदना करते हैं, जय जय आप भी वंदना करिए और भगवान आज कंस को मारेंगे। हमारे हृदय में जो कंस रूपी राक्षस विराजमान है उसका दमन करने वाले, मन में विष रूपी कालिया जो निवास करता है, उस विषयों का नाश करने के लिए भगवान हमारे हृदय में आएंगे। जय जय सूर्य न देवता आसमान से वंदन कर रहे हैं तो आप तो फिर मनुष्य में पृथ्वी लोक के देवता हैं, तो आइए हम भी वंदन करें। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक जनक पाल भगवंता गो जयकारी जय असुरारी सिंधु सुधारी सब घटवारी व्यापक परमानंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा सुर शंकर वीर मनुज अवतार विजेक्षा निर्मित करूं माया गुण गो राम जन्म की जय हवन शुद्ध हनुमान की जय रावण की।
भगवान झट से सिंहासन में पहुंचे और कंस के बालों को पकड़ लिया और कंस को पछाड़ा और क्षण में भगवान ने उसे मार डाला। और इस प्रकार भगवान ने सारे संसार से आज मृत्यु के पाप के भार को उठा दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब भय धर्म की हानि, और जब असुर बढ़ते हैं तब भगवान अधम शरीरा इस पापी शरीर में भी आना पसंद करते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। और आज भगवान ने यह पहला कार्य किया कि पापी कंस का वध हुआ, आज देवकी माता को मुक्त किया गया और आज अपने पुत्र से मिलन हुआ और वसुदेव जी के पिता जो थे सूरसेन को उन्हें राजा बनाया गया, जो कंस के पिता को पुनः मुक्त दिलाए भगवान। और इसके बाद की लीला आती है कि आगे फिर मुचकुंद नाम का एक दैत्य था, मुचकुंद नाम के एक राजा थे जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करी। और मदद करते करते जब वह अपने राज्य से गए और जब युद्ध जीते तो इंद्र ने कहा कि आपने तो मेरे लिए युद्ध जीता है तो मैं आपके लिए क्या करूं। तो राजा ने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा कि आपका पृथ्वी लोक से आया यहाँ पर ब्रह्म लोक का आधा मिनट और पृथ्वी लोक में चार युग बदल गए हैं, यह सत्युग की कथा बता रहे हैं। तो नीचे की ओर देखे तो तुम्हारे जो भाई बंधु थे उसकी 100 पीढ़ी नष्ट हो चुकी है। अतः जब मुचकुंद ने देखा तो फिर उन्होंने पूछा इंद्र ने कि अब दूसरा क्या दूं। तो मुचकुंद ने कहा कि बहुत दिनों से युद्ध करते करते थक गया हूं, अतः मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अच्छी घोर निद्रा में लीन हूं, परंतु जो मेरे निद्रा में विघ्न डालेगा तो उसकी खैर नहीं, अगर मैं उसे देख लूं तो वह नष्ट हो जाएगा। तो आज पृथ्वी लोक में आकर जरासंध के क्षेत्र में आज मुचकुंद गुफा में घोर निद्रा में लीन है। और जरासंध जो भगवान से हमेशा बैर रखता था, तो भगवान कहता है कि बैर से बजो चाहे अच्छे बजो। तो 16 बार जरासंध का साथ भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने अपनी छोड़ी सेना से उसे मार डाला था। और जरासंध सोचता था कि मैं 16 बार हार चुका हूं, तो काश एक बार वह कृष्ण मुझे पीठ दिखाकर भग जाए तो मुझे इसी में तसल्ली हो जाएगी और मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आज युद्ध की भूमि में रणछोड़ बनकर जाते हैं। और जैसे ही वह अपने रथ से भागते हैं तो जो काल यवन नाम की जाति है, यवन का अर्थ होता है कि जो यवन लोग जो यूनान से आए थे उन्हें काल यवन कहते हैं, तो वह बड़े ही राक्षसी स्वभाव के थे। और इसके बाद फिर काल यवन ने जब पीछा किया तो भागते भागते भगवान गुफा के अंदर गए, पहाड़ में चढ़ गए और वहां उसी गुफा में गए जहां वह मुचकुंद सो रहा था सतयुग के समय के बाद से। और भगवान ने अपना पीतांबर उसे उड़ा दिया और माया निर्मित करी, वहां अंधेरा बना दिया। और जैसे ही काल यवन वहां पहुंचा तो देखा कि पीतांबर, तो सोचा कि यह ढोंगी यहां आकर सो रहा है और मेरे डर से यह छिपने का नाटक कर रहा है। उसने जोर की लात भगवान को मारी और वह मुचकुंद राजा की निद्रा जगी। और जैसे ही उसने अपने नेत्रों को खोला काल यवन भस्म हो गया। बोलो राशेश्वर भगवान की। इसके बाद फिर भगवान ने जरासंध ने मथुरा में चढ़ाई करी, तो भगवान ने सोचा कि इसकी मृत्यु तो भीमसेन के हाथों है, तो यह निहर्तक ही मेरी प्रजा को कष्ट देता था। भगवान ने गरुड़ देवता को आज्ञा दी और विश्वकर्मा भगवान से कहा कि आप रातों रात द्वारिकापुरी नगरी बसाई है। तो समुद्र के बीच में भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी की रचना करी। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। और गरुड़ देव को आदेश दिया और रातों रात पूरी मथुरा को उन्होंने वहां ले गए और बलदाऊ जी को यहां का राजा बना दिया। तो आज भी ब्रज के राजा बलदाऊ जी हैं और भगवान तो द्वारिका में विराजमान है। तो वहां जाकर जैसे ही उनके चारों ओर सुदर्शन चक्र उस द्वारिकापुरी की रक्षा करती थी। लोग कहते हैं कि आज की सरकार ने गुजरात का विकास किया, परंतु शास्त्र कहते हैं कि सतयुग से ही गुजरात बड़ा सक्षम था। आज तक गुजरात में कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई बड़े बड़े, क्योंकि वह वैभव की नगरी थी जहां भगवान स्वयं 8 प्रकार की सिद्धि के साथ थे। आज भी वहां अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े अरबपति रहते हैं जो पूरे गुजरात की रोड बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं। तो जहां लोग विकास करते हैं तो वहां, तो हम भी सोचते हैं कि सरकार ही कुछ ना करे, हम भी कुछ देश के लिए करें। अगर एक एक बूंद से जब समुद्र भर सकता है तो हमारे द्वारा किया हुआ कर्म कोई मोदी जी का ही धर्म नहीं है, या कोई हमारे राहुल गांधी जी का, या कोई केजरीवाल जी का अकेले का धर्म नहीं है कि यह देश की सेवा करें। अरे देश की इकाई हमारा परिवार है, हम अपने परिवार का पालन करें, टैक्स आदि समय पर जमा करें, बेईमानी ना करें, अपने घर के सामने सफाई करें, वृक्षों को लगाएं, तो यह भी समाज की सेवा। और समाज की इकाई ही देश है और देश ही विश्व बनता है और विश्व ही परमेश्वर है। नदियों में लोग कचरा बहाते हैं, मैंने कहा नदी विश्व भगवान है, ब्रह्मांड परमेश्वर है और नदियां उनकी नाड़ियां हैं। और जब नाड़ी में गंदगी बहाते हैं तो
नाड़ियों से ही रक्त भगवान के हृदय में जाता है, तो जब नाड़ियां ही ब्लॉक हो जाएंगी, नदियों में गंदगी रहेगी तो अटैक तो आएगा। तो भगवान ब्रह्मांड रूपी पृथ्वी रूपी भगवान को जब नदियां प्रदूषित होती हैं और अटैक आता है, या उनके पित्तन रूपी पर्वतों को हम खोदते हैं या गड्ढा करते हैं यहाँ वहाँ खदानों के नाम पर हम, और या वृक्षों को काटते हैं, वृक्ष भगवान की रोम है, तो वही फिर भगवान को अटैक आता है, तो वही प्रलय बनकर आता है जैसे केदारनाथ में। तो हमेशा नदियों को साफ रखें। इसी प्रकार भगवान ने, आइए चलते हैं हम माता रुक्मणी की ओर। तो रुक्मणी जो है रुक्मै ब्रज की कन्या है, और उसका जो भाई है वह रुक्मै, तो वह हमेशा भगवान से बैर रखता है। वह शिशुपाल से जो मित्र है उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है, परंतु रुक्मणी है भक्ति और शिशुपाल है काम। तो जो भक्ति को काम को समर्पित करेगा तो भक्ति कभी काम की नहीं होती, भक्ति तो निष्काम की होती अर्थात कन्हैया को। परंतु शिशुपाल कौन है? अहंकार। शिशुपाल काम है और रुक्म जो है वह है अहंकार। तो जो अहंकारी होता है वह भक्ति को काम को समर्पित करता है, अर्थात पूजा में भी उसे स्वार्थ रहता है कि भगवान मुझे करोड़ों रुपए दे, तो वह भी अपनी बहन अर्थात भक्ति को नहीं समर्पित करना चाहता परमेश्वर निष्काम को। तो वह अपने और रुक्मणी जी को नारद जी ने जैसे गुरु मिले, जैसे माता पार्वती को नारद रूपी गुरु मिले, माता सीता को नारद वचन सदा सुचि साचा, तो आज रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है। और रुक्मणी जी को इस बात का बड़ा दुख है क्योंकि उन्होंने कन्हैया के दर्शन नहीं किए, परंतु आज तक उनके चरित्र को सुना तो बचपन से जो कथा सुनते हैं तो उनके हृदय में कन्हैया विराजमान हुए, और उन्होंने सोचा कि मैं कन्हैया को ही अपना वर बनाऊंगी। तो लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मी नारायण की है। हम कहते हैं कि हम करोड़पति हैं, लक्ष्मीपति हैं, तो कभी लक्ष्मी के पति बनोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। रावण लक्ष्मी अर्थात सीता का पति बनना चाहा तो उसका विनाश हो गया। लक्ष्मी को पुत्री बनाओ और उसका दान करो। तो लक्ष्मी को पुत्री कैसे बनाओ? तो कन्या को भगवान विष्णु को अर्पण करो। अर्थात अब हम सोचे कि अगर विष्णु जी को अर्पण कर देंगे वर को तो लक्ष्मी जी तो चले जाएंगी, तो फिर कन्यादान हो जाएगा, तो फिर हमारे घर की लक्ष्मी चले गई तो कैसे? तो आपके घर की लक्ष्मी नहीं जाएगी अगर अपने दामाद अर्थात श्री भगवान को अपना घर जमाई बना लो। तो भगवान की मूर्ति घर में रखो और नित्य उनकी पूजा करो, और यज्ञ में लक्ष्मी को, लक्ष्मी अर्थात धन को अगर नारायण अर्थात धर्म कर्म में खर्च करोगे तो वह लक्ष्मी अनंत गुना बढ़ जाती है। परंतु वह पापी आज लक्ष्मी को पाप की ओर देना चाहता, अधर्म में जुआ सट्टा मोह माया धन दौलत में खर्च करना चाहता अर्थात शिशुपाल को देना चाहता है, परंतु परमेश्वर को अर्पण नहीं करना चाहता, इसलिए लक्ष्मी कुलक्ष्मी के रूप में हो जाती है। तो आज लक्ष्मी बड़ी दुखी है। तो सखी ने बोला कि मैं तेरा काम करती हूँ। तो एक ब्राह्मण को वह पत्र लिखती है आज लक्ष्मी जी अर्थात माता रुक्मणी, और बड़े ही सुंदर शब्द में कहा कि हे गोपाल हे कन्हैया, बचपन से मैंने अपने गुरु से एक मंत्र लिया आपका, बार बार बर मांगा हूँ हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग, और आज मैंने आपको चरणों से पूजा और आप हमसे विमुख है, मेरा भाई मुझे किसी और को देना चाहते हैं, अगर आप हमसे इतने निष्ठुर रहे तो मैं शरीर को त्याग दूंगी। और उस ब्राह्मण ने आज वह पत्र ले जाकर भगवान को दिया, और भगवान ने कहा कि ठहरो मैं भी चलता हूँ। तो बंदाऊ जी भी उनके साथ हो गए और दोनों भाई आते हैं और बाहर उन्होंने निवास किया। और जैसे ही भगवान ने सोचा कि अगर इसके राज्य में जाऊंगा तो पापी के राज्य में अगर प्रवेश करने में भी पाप लगता है, जैसे हनुमान जी लंका में कदम नहीं रखना चाहते थे, बोलते हैं कि जब तक यहाँ किसी संत का घर नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मात्मा लोग पापी स्थान में कदम नहीं रखते, इसलिए हनुमान जी ने संत अर्थात विभीषण के घर में कदम रखा। उसके अलावा उन्होंने फिर दूसरा जहां माता स्वयं भगवती है अर्थात अशोक वाटिका में, इसके बाद हनुमान जी ने कहीं चरण नहीं रखा। तो उन्होंने भगवान बाहर ही रहे, और उस समय जैसे हम कहते हैं कि कात्यायनी देवी का पूजन जो कन्या विधि विधान से करती है, कात्यायनी महामाई अर्थात कात्यायनी विवाह की देवी है, माता पीताम्बरा जो पीले वर्ण में है, स्वयं माता सीता को अपने पति को प्राप्त करने के लिए पुष्प वाटिका में गई, और राम रूपी मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत राबरो एहि भाति गौरी आशीष सुनिसि सहित ही हरषि अलि तुलसी भवानी पूज पुनीति मुदित मन मंदिर चले। आज लोग भगवान की चौपाई को अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। एक गांव में सभा चल रही थी तो एक महाराज जी उपदेश दे रहे थे, तो बालकांड में जब माता स्वयं जगजननी भवानी अर्थात माता सीता जब सरोवर में स्नान करने जाती है पुष्प वाटिका में, नित्य वह कात्यायनी देवी का व्रत रखती थी, उपवास रहती थी, 16 सोमवार रहती थी, तो उसमें एक चौपाई सर समीप गिरिजा घर सोहा, आप बालकांड में देखिए
माता के चरित्र में यह चौपाई है। सर समीप गिरिजा घर सोहा, तो वहीं पर जब भगवान ने कहा कि समुद्र के तालाब, सर का अर्थ होता तालाब के किनारे, गिरिजा घर अर्थात भगवान माता देवी का मंदिर था, तो उतने में एक ईसाई महाराज वहां आए और बोले कि आपने गलत बोलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजा जनक तो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, वह यीशु को मानते हैं और आप कहते हो कि वहां देवी जी का मंदिर था। तो पंडित ने सोचा कि उस समय ईसा मसीह के दादा भी पैदा नहीं हुए, तो ये कहां से कह दिया कि त्रेता युग में ईसा मसीह पैदा हो गए और राजा जनक उनको मानते थे। तो उनने कहा कि मैं प्रमाणित कर सकता हूं, तो बोला प्रमाणित करके दिखाओ। तो उसने कहा कि देखिए आप इस चौपाई को पढ़ो, सर समीप गिरिजा घर सोहा, अर्थात तालाब के समीप गिरिजा घर अर्थात चर्च है भगवान का, जहां यीशु मसीह का स्थान होता है उसे गिरिजा घर कहा गया है। तो देखिए सर समीप गिरिजा घर सोहा। तो पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मान लिया कि राजा जनक तो ईसाई थे, परंतु आगे आपने पढ़ा। तो बोला क्या है महाराज? तो उसमें लिखा है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भगवान चूड़ी पहनते थे, साड़ी पहनते थे, यानी वो माता जगजननी भवानी थे। तो आज समझ में आया कि तुम्हारे भगवान तो पुरुष नहीं है। तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ करके आज भगवान की चौपाई को, कबीर दास जी की शिक्षा को उल्टा सीधा प्रकाशित करके, कबीर दास जी तो स्वयं भगवान का अवतार थे परंतु लोग उन्हें निर्गुण करके, आज कितना उन्हें दुख होता होगा कि लोग हमारे नाम से लोग बिजनेस कर रहे हैं और आज दुनिया में रामपाल जैसे न जाने कितने पाखंडी आज जेल में बंद हैं, जो लोगों को धर्म छुड़ा दिया। कबीर जैसा संत बनो, उनका कहना यह था कि पाथर फोड़े जग में, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। उन्होंने ये कहा कि संसार की मूर्तियों में नहीं हृदय में परमेश्वर को देखो, परंतु उनकी चीजों को लोगों ने। पर भगवान कहते हैं कि निर्गुण भक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें सगुण में जाना पड़ेगा। क्यों भगवान आज अवतार लेते हैं, किसी को भाव आते हैं तो क्यों भगवान सगुण रूप में आते हैं, क्यों भाव नहीं आता? भगवान तो निर्गुण है, पर क्यों लोगों को बाना लेना पड़ता है और उन्हें कष्ट नहीं होता, लोग अलाव में चल जाते हैं? क्यों भगवान तो निर्गुण है, पर क्यों उस सगुण शरीर में आना पड़ता है? क्योंकि मेरे भक्त की इच्छा, इसलिए भगवान निर्गुण से साकार हो जाते हैं, निराकार होकर भी वह साकार रूप देते हैं। जैसे मीराबाई के रूप में भगवान ने उसे अपने में भक्ति दी, तो भक्त की इच्छा के लिए भगवान निराकार से भी साकार होते हैं। तो आज वही सीता माता को जो भगवान की कृपा हुई और माता जननी का पूजन करने के कारण से नारद वचन सदा सुचि साचा भव, एक संत का वचन है, गुरु ने कह दिया है कि तुम पूजा करो, जैसे ब्राह्मण ने कह दिया कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो और तुम्हें वह प्राप्त होंगे। तो इसके बाद फिर वह ब्राह्मण चिट्ठी लेकर जाता और भगवान यहाँ आते हैं और पूरी सेना का विनाश करके, रुक्मणी जी उस समय, रुक्मणी जी भी इस दूसरे जन्म में माता का पूजन कर रही हैं और उन्हें वाटिका में बिठाल कर ले जाते हैं और इस प्रकार भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की। और जामवंत जी की कन्या से श्यामंतक मणि को लेते हुए उन्होंने विवाह किया जामवती के साथ, सत्यभामा के साथ, जो धरती माता की पुत्री है। जैसे सीता जी धरती से निकली तो श्लोक में सीता जी सत्यभामा बनकर धरती से निकली, अति अभिमानी, क्योंकि धरती मेरी है, माँ है, इतनी बड़ी दौलत मेरी है, इसलिए वह अभिमानी हुई, भगवान को ही तौलने चली। और लक्ष्मणा नाम की कन्या से फिर कालिंदी अर्थात यमुना को उन्होंने पत्नी बनाया और सत्या भद्रा रुक्मणी ऐसे भगवान की पत्नी हुई। तो आइए हम भगवान के विवाह की तैयारी करते हैं, चलिए हम विवाह की ओर। यजमान माला पहनाएंगे, दोनों कृष्ण और रुक्मणी जी को खड़ा कर दीजिए, दोनों के हाथ में माला दे दीजिए, जय माला जो भी हो। आज गोपीनाथ की शादी है, आज गोपीनाथ की शादी है, आज गोपीनाथ की शादी है, आज गोपीनाथ की शादी है। तीनों लोक में सबसे प्यारे, तीनों लोक सबसे प्यारे, ओ तीन लोक में सबसे प्यारे, गोपीनाथ की शादी है, आज गोपीनाथ की शादी है, आज गोपीनाथ की शादी है। We'll be right back.
विश्वास की शादी है, मांगे बिहारी की देख छटा।